जय श्री राधे कृष्णा जी। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जहाँ से पिछले वीडियो की एंडिंग की थी, वहीं से अगले वीडियो की शुरुआत भी हो रही है। और मैंने आपसे कहा था कि आज मेरे व्रत है और मुझे धूप बत्ती भी करनी है और शादी में भी जाना है। तो शाम का टाइम 7:30 बजे से ऊपर हो चुका है, क्योंकि 7:30 बजे मैं घर से निकली थी। वो वाला वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं धूप बत्ती करके फिर शादी के लिए निकलना है। तो शिव मंदिर के पास ज्योत मैंने जला ली है और यहाँ थोड़ी सी धूप बत्ती कर लूँगी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं लगा। तो शाम के टाइम अब शादी को भी जा रही हूँ और धूप बत्ती भी हो रही है शिव मंदिर के पास। और अब इसके बाद निकल जाएंगे हम सीधा शादी के लिए। और मुझे जाना है पार्लर भी, और जो ब्यूटी पार्लर का काम करती वो हमारे गांव की ही लेडीज़ हैं, तो मुझे उनके घर पर जाना है, क्योंकि मार्केट तो बंद हो जाएगी। जितने को मैं मार्केट में पहुँचूँगी 8:30 बजे का टाइम हो जाएगा। तो धूप जोत मैंने कर ली है और अब मुझे निकलना है पार्लर में। पार्लर नहीं, उन्होंने वो अपना ब्यूटी पार्लर का काम घर पर ही करते हैं, क्योंकि वो भी पशुपालन का काम करते हैं। तो मैं उनके ही पास जाऊंगी। और अब बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा तो वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर अच्छे से कुछ दिखे नहीं ना तो वीडियो में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधा शादी वाले के घर में तो बहुत ज़्यादा लाइटें होगी, वहाँ बनाऊँगी। अब थोड़ी सी वीडियो और बताऊँगी कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन हैं। ये लो जी, यहाँ पहुँच गए हम शादी में। और ये मेरी मौसी की बेटी है, ठीक है। और दो मौसी है मेरे, एक मेरी मम्मी, तीन तीन बहन है और तीन भाई हैं। जो मेरे मामा जी है, तीन भाई हैं, और जो मेरी मौसी और मम्मी है वो तीन हैं। तीन तीन छः, मेरी नानी के ना 6 बच्चे थे, ठीक है। तो ये मेरी मौसी की बेटी है, जो मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है उसकी बेटी है। और जिसकी हम यहाँ शादी के लिए आए हैं, ये मेरी मम्मी जी हैं। ये जो परे बैठी वो देख रहे हैं, और पीछे हस्बैंड जी बैठे हैं, और पीछे मौसी का बेटा भी हैं, भाई मेरे, जो जिसकी मतलब भांजी की शादी है यहाँ पर। ये मेरी मौसी, सबसे बड़ी मौसी वाली की का बेटा, ये इसकी बेटी की शादी है। ये वाली, ये है, ये मेरी मौसी की बेटी है, इसकी बेटी की शादी है। हेलो। तो ये लोग सब बिजी है ना, अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके ना तीन तीन फंक्शन चले हुए। एक तो आज डेरा भी है, जो गजल वगैरह का होता है कुछ प्रोग्राम, वो है आज। तो ये लोग गा रहे हैं यहाँ पर डेरे के गीत, और शादी भी लगी है क्योंकि आज सांद है, ठीक है। और यहाँ पर हम अब लेन देन कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर घर के लिए भी निकलना है। तो रोटी वगैरह धाम हमने खा ली है, और उसके बाद फिर लेन देन करने लगे थे। और इनके जो ससुर जी हैं वो भी रिटायर आए हैं, तो सासू माँ जी के लिए भी हम शाम को ही दे देंगे, जो भी देना होता है हमारी तरफ से। तो ये मेरी मौसी की बेटी है, मेरी मौसी के एक एक ही बेटी है, दोनों मौसी के। और हम चार हैं, मेरे मम्मी के हम चार बहन हैं, बहन सिस्टर जो भी है, ठीक है। तो ये लेन देन हमने कर दिया। और मैं इनकी सासू माँ जी के लिए, जो इनकी सासू माँ जी है ना, उनके लिए भी मैं अभी दे दूंगी। कल का पता नहीं है, फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, पक्का नहीं। ऐसे आएंगे तो आएंगे, लेकिन पता नहीं होता ना कि आना है कि नहीं आना है, ठीक है। तो ये इनके सासू माँ जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बोले वाले हैं, और बहुत ही अच्छे हैं इनके सासू माँ जी, ठीक है। तो अब चलते हैं बाहर। और बाहर अब क्या वीडियो बनेगी बाहर। तो 9:30 बजे पहुँचे थे हम शादी में, और आप पहुँच गए रातों रात ही घर पे, और टाइम हो गया है 12:15, 12:17, ठीक है। और पशु अभी बैठे हुए, तो इनके खातिर आना पड़ता है रातों रात घर। लोग कहते हैं कि आपके पशु ना इतना ज़्यादा दूध कैसे देते हैं। तो अभी रात को 12:30 हो चुके हैं, और अभी पानी पिलाया पशुओं को, ठीक है, और गोबर हटाया, और झाड़ू भी लगा दिया है इनके नीचे नीचे, ठीक है, कि ताकि इनके नीचे गोबर, ज़्यादा गोबर ना रहे, ठीक है। पशुओं की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे वो उतना ही ज़्यादा दूध देगा, ये मेरा मानना है अपना, ठीक है। तो 12:30 हो चुके हैं, और फिर करते हैं सुबह आपसे बात। तो अभी तो फिलहाल सो ही जाते हैं, ठीक है। और ये जो गाय है ना, ये अपने बछड़ी को बुला रही है, वो बछड़ी को बांध दिया है अंदर, रखो इसको, अपने बछड़ी बड़ी प्यारी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये वाला सूट ले गई थी मैं शादी को, ये वाला, बैठी जाते रहे, क्या हो रहा। हाँ
दुआ बुई। तो शादी से हम पहुंच गए हैं अपने घर में, और जैसे कि हमारे हिमाचल में ना लेन देन करते हैं तो ज़्यादातर लोग पैसे देते हैं और कई लोग कपड़े देते हैं, तो हम भी उनके लिए कपड़े ले गए थे और उन्होंने भी हमारे को कपड़े दिए हैं। ये मेरे लिए हैं सूट और ये हस्बैंड के लिए हैं पैंट कमीज। ठीक है, इस तरह का लेन देन करते हैं ज़्यादातर लोग, और कुछ लोग कपड़े नहीं देते, कुछ लोग पैसा ही देते हैं। ठीक है, तो अच्छा हुआ हम शाम को ही आ गए थे, और आना भी पड़ना था क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा पशु मिल्किंग करने को है, तो बेटी भी इतना ज़्यादा मिल्किंग नहीं कर पाएगी। और अब हम आ गए खेत में सुबह की रूटीन ख़त्म करने के बाद, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ है, शाम के टाइम बारिश हो सकती है। बारिश का तो पता नहीं लगता कब दड़ादड़ लग जाएगी, लेकिन ये मिर्ची की गुडाई मुझे ना बहुत ज़रूरी थी। और हस्बैंड जी कर रहे हैं अपने गेट बनाने का काम, तो आज मैं बच्चों को ले आई हूँ खेत में पहली बार गुडाई करने के तो लिए। आज मौसम बिल्कुल साफ था और हमने ना मिर्ची की गुड़ाई जो है आज निकाल दी, थोड़ी सी बची है हमारे पास। तो पंकज के पापा जी गेट बना रहे हैं, और इन दोनों की बारी आई है आज खेत में गुड़ाई करने की, ममता और पंकज। ठीक है, घास हमने उखाड़ दिया था पहले और अब गुड़ाई कर दी हमने, और अब ख़त्म होने वाली है। पंकज ने पीठ लगा लिया उल्ली तरफ की, ताकि मेरा चेहरा नहीं आए कैमरे के सामने, पर गुडाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं पानी ले जा रही हूँ, उनको प्यास लगी हुई बेचारे बच्चे को। पंकु पानी पी ले, पंकु पानी पी ले, ले मम्मी तू पी ले, लड़ो कर, रुक जा बच गया सब नंद आई दे मया। ये ना आई बूट, ओ पंकु ऐसा पानी ले दूजी जगह बकरिया। पंकज और ममता चले गए, उनके ना थक भी गया है, और मैंने थोड़ी सी अरबी की गुडाई भी कर ली है क्योंकि मौसम का पता नहीं होता, और अब भी बादल गरज रहे हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन आज ना मौसम बिल्कुल, अभी 11:30 हो गए और मौसम 11:30 बजे तक तो ठीक है, लेकिन 1-2 घंटे में बारिश आने वाली है पक्का। तो अदरक के जो 2 क्यारे हैं बाकी ये ही रहे हमारे पास, बाकी ये भी मैंने कर ली थोड़ी सी गुड़ाई, और मिर्ची के तो आज कंप्लीट हो ही गए। ठीक है, तो अब मैं भी चलती हूँ भाई, धूप भी है और भूख भी है। ठीक है, बकरियाँ ले गई है ममता, बकरियाँ भी आज हमने यही लाई थी, और दोनों बच्चों को ले आई थी मैं खेत में। अगर बच्चों को दिखाएंगे ना खेती बाड़ी करना तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, गुस्सा तो बहुत कर रही थी मैं उनके ऊपर क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे थे ढंग का, लेकिन बता बता कर फिर थोड़ा थोड़ा सही करने लगे। तो ये फीड जो होती है ना स्पेशल है बछड़ी के लिए, ये इसका नाम बोबिनो 2। ये बछड़ी के लिए जो बड़े वाली बछड़ी है ना उसके लिए ये, और उसकी फीड ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हम बछड़ी को ना ये बोबिनो 2 खिलाते हैं। ठीक है, तो इसको आधा इस कैने में पलटी कर लेंगे और वहाँ रख देंगे, जहाँ हमने उधर अट्टा पिसने की चक्की वगैरह लगाई है वहाँ पे। तो इसको मैं आधा कर लेती हूँ, और बाहर लगी हुई है बारिश, बाहर का मौसम भी बता दें। तो परसों बाहर है और उनको धुआं लगाया हुआ है, और जब ज़्यादा मक्खी लग जाएगी ना तब जाके फिर अंदर करेंगे इनको, लेकिन अभी टाइम 2:15 हुए, 15 मिनट 2 बजने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर क्लोज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे।